लास्ट वैकेंसी यू एमपीएसआई की 2016 में आई थी, और मैं अब क्या चल रहा है मैम 2024, अब मैम देखे कि कब से नहीं वैकेंसी आई है मैम, 8 साल से मैम वहाँ पर मामा थे मैम। के हमारे राष्ट्र में देश में जो यहाँ का पैदा हुआ है वो यहाँ का उसी का देश है ये, और उसका स्वास्थ्य जो सही होना चाहिए, स्वास्थ्य सही तब होगा जब फ्री स्वास्थ्य हो, सेवा हो, इसके बाद शिक्षा, गरीब आदमी की शिक्षा नहीं मिलती। लहर किसी भी की भी हो, सरकार बनेगी यही की मोदी वाली, भाजपा ही जीतेगी क्योंकि ईवीएम खराब है इनके। हाँ जी, ईवीएम खराब है, वोट गिरा है कहीं, जनता कहीं गिरा है, लिकड़े हुई है सब, ईवीएम खराब है इनकी, यानी तो बिना वो आके ईवीएम के करा लो चुनाव पर तो चल जाएगी। कह रहा हूँ इस समय किसान ये खुश है कि अपनी ट्यूबवेल पे आराम से सोता है। हाँ बिल्कुल, जो वो गुंडागर्दी थी वो सारी खत्म हो चुकी है इस सरकार में जाएगा, नहीं बहुत सरकार आई। जी बिल्कुल सहमत हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देखो हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब तो एक ही हैं, लेकिन उससे ऐसा कोई एलर्जी वाली हमें तो कोई बात है नहीं। मोदी जी आ जाए हमें कोई परवाह नहीं है, हमें उससे क्या मतलब है। अच्छा, कोई परवाह ही नहीं आपको? नहीं, हमका कोई परवाह नहीं है जी, हमें तो अपनी मजदूरी से मतलब है, हम क्यों परवाह करेंगे। हाँ। अच्छा तो आप दुखी होके बोल रहे हैं या सच में चाहते हैं मोदी? नहीं नहीं, हमारे जान मोदी जी आ जाए हमें कोई दुख नहीं। 36 के अंदर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मतलब अकेले जाना निकलना मुश्किल था, अब कुछ नहीं है ऐसा। नीतीश कुमार तो खुद इनका ही चमचा है, उसका अपना ही नहीं पता, वो तो इधर से उधर ही रहता है, आज हमारे साथ है, कल पप्पू के साथ है, परसों टप्पू के साथ है। इसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। क्या बात है? अच्छा? हाँ, जनसंख्या जनसंख्या के सामने कितना भी विकास हो सब छोटा पड़ जाता। लोकसभा चुनाव 2024 की गूंज तो आप सुन ही रहे होंगे, किस तरीके से सारी सियासी पार्टियां जो हैं वो जनता को रुझाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए क्या क्या कर रही हैं। जी हाँ, हम लोग ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, श्रेष्ठ भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जनता से बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रही है कि अब की बार किसकी सरकार क्या चाहती है, किन मुद्दों पर अब की बार जनता जो है वो वोट करे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, आज हम उन्हीं पर बातचीत करेंगे। और देखिए, लोग करते हैं चाय पर चर्चा, हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में, जहां पर हम करेंगे हुक्के पे चर्चा। आप देख सकते हैं तमाम लोग मेरे साथ यहां पे मौजूद हैं, बातचीत करते हैं कि आम चुनाव का मौसम है और उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है कि अब की बार किसकी सरकार बने। चलिए सर, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, क्या नाम है पहले आपके? मेरा नाम रामपाल सिंह है। मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है अब की बार मोदी सरकार? मोदी सरकार, हाँ। ऐसा क्या काम कर रही है मोदी सरकार जो अब की बार, आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोली, अब की बार मोदी सरकार हिंदुत्व के मुद्दे पे। अच्छा। मोदी सरकार आनी चाहिए। राम को लाए हैं इसीलिए आप उनको लाएंगे? नहीं, वो तो पहले से भी थे मोदी, तो राम तो अभी आए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन देखो क्या हो रहा है उधर, वो अंसारी और वो जेल में थे, माफिया थे जी। उनको सबका खात्मा किया। हाँ जी। तो लेकिन उनकी तो हार्ट अटैक से मौत हुई है ना? हार्ट अटैक से हुई है मौत, हाँ मुझे पता है, लेकिन जेल में थे, खर्चा तो कर रहे थे सरकार का। सरकार का खर्चा तो कर रहे थे। ये बताइए कोई टक्कर में है या नहीं है? नहीं, टक्कर में नहीं है, टक्कर में कोई। राहुल गांधी हैं तो सही, इतनी यात्राएं निकाल रहे हैं। यात्रा से क्या होता है, कोई फायदा नहीं यात्राओं का, ना कुछ नहीं होने वाला। आगे चलते हैं। और सर सही चल रहा है? एकदम बढ़िया। बढ़िया चल रहा है जी, एकदम। हाँ जी, क्या करते हैं आप पहले बताइए? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। कितना बीघा जमीन है आपके पास? जमीन भी है। अच्छा। पिताजी के नाम है, पिताजी हैं। अच्छा। 24 बीघे जमीन है। अब तो एयरपोर्ट बन रहा है, आप तो माला माल होने वाले। एयरपोर्ट तो दूर है। अच्छा। हाँ, हमारा तो पहले ही पड़ जाएगा एयरपोर्ट, माला माल वहाँ भी ना। किसान की हालत देखोगे तो पता चलेगी, किसान फिर भी घाटे में। पिछले काफी समय सर की रेट नहीं बढ़ा, अगर आप देखोगे ना ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट कटे हुए हैं, प्लॉटों के रेट बढ़ रहे हैं, सर की रेट उनका बढ़ रहा, लेकिन किसान का जो मुआवजा मिलता है ना उसका सर की रेट नहीं बढ़ा पिछले 10-15 सालों से, 15-20 साल हो गए। हाँ जी,
चलिए ठीक है, ये बताइए अब चुनाव है, क्या लग रहा है, हवा किसकी तरफ है, लहर किसकी है? लहर किसी भी की भी हो, सरकार बनेगी यही की मोदी वाड़ी है, भाजपा ही जीतेगी क्योंकि ईवीएम खराब है इनके। हाँ जी, ईवीएम खराब है, वोट गिरा है कहीं, जनता कहीं गिरा है, लिकड़े हुई है सब, ईवीएम खराब है इनकी। यानी तो बिना वो आके ईवीएम के करा लो चुनाव, पता चल जाएगी। बैलेट पेपर्स होने चाहिए, बैलेट पेपर्स करा लो ना, पता चल जा। अच्छा। हाँ जी, ये सब सिस्टम बैठा रखा हो, अब देख लो काई अभी काई को मर्डर कर दें, दिखा दें कि हार्ट अटैक होगा, ये यही क्यों मारे जा रहे हैं जो बदमाश बाहुबली जितने हैं, यही बंद कर रखे, इन्हें मार दे। मैं मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी हुए पहले भी हुए कई बदो, इन कर दिए उनको कल्याण कर दिए, दिखा दें वैसे होगा। अच्छा है जी, तो हार्ट अटैक, हाँ हार्ट अटैक हुआ, स्लो पॉइजन की दवाई दे दी, हार्ट अटैक दिखा दिया, ऐसी कर दे। मैं अब इन्हें एक राम मंदिर ले रखा, राम मंदिर क्या, राम पहले नहीं है, पहले भी तो बस रहे राम मन में सबके, मैंने मंदिर को है तो कहो भी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करो कहो राम मंदिर बनना चाहिए, बना इन्हें अपना लिया, अब सब राम मंदिर हिंदुत्व, हिंदुत्व कौन खतरे में, पहले खतरे में ना, अब भी ना और आगे भी ना होएगा। हाँ जी, आप किसके साइड हैं, आप किसको वोट डालेंगे? हमें बदलाव होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, बदलाव किसके, तो हवा किसकी तरफ जानी चाहिए? किसी के बनो, इंडिया जो संगठन बनो वाकई हो या सरकार इनकी बने, किसी के बने, लेकिन बदलाव जरूरी है। हाँ, राहुल गांधी आए फिर, मतलब राहुल आए या कोई भी आ, अखिलेश यादव, अखिलेश आ जाओ, मायावती आ जाओ, हमारे साथ कोई आ जाओ, बदलाव एक बार जरूर होना चाहिए, बदलाव होता रहे तो थोड़ा सा लगे, भी इन्हें भी लगे नहीं, तानाशाही चलनी चालू हो जाती है फिर। अच्छा चलिए, सरकार के काम से खुश हैं आप? ठीक है, सरकार सही चल रही है, बिल्कुल। जनता क्या चाहती है सरकार से, किन बातों पर ध्यान दे सरकार आपकी? सरकार जो है का एक तो ये बीमारी अस्पताल जो वहाँ भी बात चली थी, तो अस्पताल पे उस पर कुछ ये हो जाए का जो इलाज सस्ता हो, क्योंकि अगर गरीब आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। एक शिक्षा है, शिक्षा पे प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं, जूनियर हाई स्कूल खुल रहे हैं, तो उसमें अच्छे योग अध्यापक है उसमें ना पढ़ के, और फिर अच्छी शिक्षा के लिए उसमें जाते हैं तो उसमें बड़ा खर्चा होता है, एक एक बच्चे पे काफ़ी। तो शिक्षा पे और इस पे बीमारी पे, इस पे सुधार होना चाहिए, कोई भी सरकार होनी चाहिए। वैसे सरकार सही चल रही है जहाँ तक उम्मीद है, मोदी जी सही काम कर रहे हैं, मोदी सही काम कर रहे हैं, उन्हें परिवारवाद कुछ नहीं है, उनके बिल्कुल सारा परिवार उनको अपना ही समझते हैं, हो जाएगा, कोई नहीं है क्या टक्कर में उनकी, ये मैं नहीं कह सकता टक्कर में। वैसे मेरे हिसाब से मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी सही काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी नहीं तो फिर कौन, ये नहीं कह सकता मैं, हाँ मैं नहीं कह सकता। अभी तो आप योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बस ठीक है। मैं वो तो किसानों से भी पूछा, ये भी किसान ये क्या कह रहे हैं, जो मेरे मन में वो कह रहा हूँ, इस समय किसान ये खुश है कि अपनी ट्यूबवेल पे आराम से सोता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जो वो गुंडागर्दी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है इस सरकार में जाएगा, यानी बहुत सरकार आई कितनी। और फिर इसमें एक बात और भी है, ये सब कुछ साथ ले कर चलते हैं मोदी जी जो है का, और सरकारों में भेदभाव था, और सरकारों में जैसे मैं अपने देखता हूँ गांव में इधर उधर, मैं भी एक प्राइमरी स्कूल से रिटायर हूँ, उसमें भेदभाव था। भेदभाव कहता कैसा है, क्या जैसे मुसलमानों का वो है, वो क्या जहाँ मुर्दे वर्दे गढ़ते हैं तो उसकी बाउंड्री बन रही, हिंदुओं की नहीं बन रही, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान हाँ उसमें नहीं, तो और मतलब उसमें ये सबको साथ लेके चले, जो भी मिल रहा है सामान सबको मिल रहा है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है या और कोई भी है, सबको सामान मिल रहा है, इनके अंदर भेदभाव नहीं है। हाँ ये सहमत हैं आप इनकी बात से? जी बिल्कुल सहमत हैं हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देखो हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब तो एक ही हैं। हाँ। लेकिन उससे ऐसा कोई एलर्जी वाली हमें तो कोई बात है नहीं। अच्छा। जो भी है, अब बड़े बूढ़े हैं हमारे बाप समान हैं। हाँ। उन्होंने बोला, सही बोला आपने जगह पर। मुझे बताइए रमजान कैसे चल रहे हैं? रमजान बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया जी, ऊपर वाले का शुक्र है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या चाहते हैं कि इसकी सरकार बने? सरकार से हमें क्या, हमें तो अपनी मजदूरी से मतलब है, हमें तो आज भी यही करना है और कल भी यही करना है। तो सरकार रहेगी तो आपकी बात सुनेगी ना, वही करना है। कोई भी सरकार बन जाए, मेहनत तो हमको करनी है। तो ये है ना कि कौन सरकार, कोई सी सरकार बने जो आपका फायदा करवाए, आपको फायदा हो, आपकी समस्या सुने। अब बनने से पहले तो देखो सभी लोग कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, आज देखो कि कुछ नहीं है। बताओ। अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं अपनी जगह पे। अच्छा, योगी जी?
सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ। तो दोबारा चाहती हैं सरकार बने इनकी? हाँ हो जाए, हम तो चाहते हैं हो जाए, हो जाए। हाँ, हाँ। आप क्या चाहते हैं, मोदी जी आए दोबारा? मोदी जी आए दोबारा? मोदी जी आ जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें उससे क्या मतलब है? अच्छा, कोई परवाह ही नहीं आपको? नहीं, हमका कोई परवाह नहीं है जी, हमें तो अपनी मजदूरी से मतलब है, हम क्यों परवाह करेंगे। अच्छा, तो आप दुखी होके बोल रहे हैं या सच में चाहते हैं मोदी? नहीं नहीं, हमारे जान मोदी जी आ जाए, हमें कोई दुख नहीं है। कैसा काम कर रहे हैं मोदी? सही काम कर रहे हैं, बढ़िया एकदम। सुनते हैं बात को? जी जी जी, क्यों नहीं, बढ़िया मोदी जी। कोई है टक्कर में? नहीं नहीं, ऐसा हमें कोई नहीं लग रहा। टक्कर में है कोई? टक्कर में हमें कोई नहीं दिख रहा, ना लग रहा। चलो देखिए, महिलाएं हैं हमारे साथ कुछ, इनसे बातचीत करते हैं। इधर आइए आप आइए इधर। हाँ जी बैठिए, लेना है हुक्का? लेना है आपको? नहीं नहीं, आप बताइए क्या चल रहा है आजकल? क्या अच्छा चल रहा है? हवा कहाँ है? चुनाव में कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों, ऐसा क्या काम कर रही है बीजेपी महिलाओं के लिए? क्या गरीबी खत्म हो रही है? और ये है कि थोड़ा रोजगार तो है नहीं, बेरोजगारी तो बहुत फैल गई बीजेपी। ये एक महिला पीछे से और है, इनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए, पहले तो बताइए कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। हाँ जी, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार अच्छा काम कर रही है, सबसे ज्यादा तो लेडीज के लिए, मतलब औरतों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है। जैसे एक आधा काम बता दो। एक आधा काम क्या, सबसे ज्यादा तो यही है कि मतलब 36 के अंदर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मतलब अकेले जाना निकलना मुश्किल था, अब कुछ नहीं है ऐसा। हाँ जी, दोबारा बनेगी मोदी जी की सरकार फुल? राहुल गांधी आएंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं आएंगे? नहीं, जो अच्छे अच्छे हैं अपने लिए। कहाँ पे मेहनत करते हैं सर, इधर आइए। कहाँ मेहनत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सड़कों पे मेहनत करते हैं? राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल रही हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो बीजेपी की तरफ से बोल रही हूँ। बीजेपी की तरफ से क्यों? बीजेपी क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है बीजेपी ने? हाँ जी, और एजुकेशन सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। हम तो क्लास ट्वेल्थ के बच्चे, तो हम तो देख रहे हैं कि मतलब जो पहले एजुकेशन सिस्टम था, अब स्किल्स बढ़ाई जा रही हैं। हाँ। मतलब पढ़ाई के साथ साथ और बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट भी की जा रही है। तो ये सब नोटबंदी जैसे उन्होंने किया था, तो वो भी एक अच्छा मूवमेंट था उन्होंने किया है। मतलब पहले से तो बेटर किया है। अब सब में बुराइयाँ होती हैं, बट उनमें थोड़ी कम बुराइयाँ हैं बाकियों में से, इसलिए ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ जी, क्या जानते हैं? अब की बार मोदी सरकार, ये जानते हैं बस। क्यों अब की बार राहुल गांधी की सरकार नहीं? क्यों क्यों राहुल गांधी कुछ काम ही नहीं करवाते हैं? नहीं काम करवाते। अच्छा, प्रधानमंत्री पद पर कौन आएगा? मोदी जी। क्यों राहुल गांधी को बुला लीजिए? नहीं, राहुल गांधी नहीं आ रहे। नहीं आ रहे जी, अम्मा कहाँ से बुला? कैसा काम है उनका? किसका जी? राहुल गांधी का। राहुल गांधी कहाँ सरकार में, उनका क्या काम है जी? हाँ, उन्हें बताओ क्या काम। प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं जी, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या जोर चल? भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल दी, भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, कुछ फायदा नहीं होगा उनको? नहीं, फायदा या नुकसान होगा, पर सरकार ही नहीं की बनेगी। अच्छा। आप क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी तो पप्पू है ही। अच्छा, उसके बारे में क्या सोचना, वो तो कभी आना ही नहीं। अभी अखिलेश यादव आ जाए? अभी तो फिलहाल इस 5 साल के लिए तो बीजेपी है, और बीजेपी रहेगी, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। कोई टक्कर में है उनकी या नहीं? फिलहाल हमें तो दिखता नहीं, नहीं। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो खुद इनका ही चमचा है, उसका अपना ही नहीं पता, वो तो इधर से उधर इधर से उधर ही रहता है। आज हमारे साथ है, कल पप्पू के साथ है, परसों टप्पू के साथ है। अच्छा, ममता दीदी? ममता बताइए, ममता बनर्जी के नाम पे उसने, क्या ख्याल है सरकार के बारे में? सरकार के बारे में तो ख्याल, मैडम जो बात कर रहे हैं अभी अभी के जो केंद्र में है फिलहाल में, जनता की आवाज़ यही है। हाँ। बाकी मोदी जी की सरकार चाहते हैं बात, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि शिक्षा और चिकित्सा। हाँ। इन पर जोर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है।
और वैसे अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त है, भय मुक्त है, किसानों के हित के काम जो हो रहे हैं है ना, जैसे बिजली के हैं, पानी की जो समस्या हैं गांव देहातों में, उन चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, वो चीज़ें अपनी अलग हैं, वो सरकार कर रही है, लेकिन और भी करने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। तो आपकी बार प्रधानमंत्री पद पर किसको देखते हैं? तो प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री तो हमारे मोदी जी हैं, क्योंकि उनके अलावा कौन? उनके अलावा फिलहाल में भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है। कैसे हैं? ए बेटा कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है सरकार में? सरकार में तो सब में ही मजा आता है। अच्छा। क्या है, कोई सरकार आ जाओ सब बढ़िया ही है सरकार। जब हम बढ़िया रहेंगे तो सरकार भी बढ़िया रहेगी। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बनेंगे अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री? ये हम नहीं कह सकते। आप डालेंगे वोट अब की बार? अरे भाई वो बात वोट की छोड़ो। हाँ। वोट कौन किसे देगा? हाँ। एक मेरी वोट से तो कुछ नहीं होना। ठीक है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं मैं उसकी बात कहूंगा। बता दो फिर आज। मैं यूं कहूंगा। हाँ। हमारे राष्ट्र में, देश में जो यहाँ का पैदा हुआ है वो यहाँ का उसी का देश है ये। बिल्कुल। और उसका स्वास्थ्य जो सही होना चाहिए, स्वास्थ्य सही तब होगा जब फ्री स्वास्थ्य हो, सेवा हो। इसके बाद शिक्षा, गरीब आदमी की शिक्षा नहीं मिलती, कहाँ से दे, उस पर पैसा नहीं। उसकी भी मतलब जब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छा है नारा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन ये कामयाब तभी तो होगा जब मतलब गरीब अमीर सब एक साथ होकर एक लाइन में लगेंगे। जब उनका माइंड, किसी गरीब का माइंड ज़्यादा बढ़िया है, अब्दुल कलाम का माइंड कितना बढ़िया, गरीब था। हाँ, हैं हाँ, अच्छा। और मान लीजिए राहुल का माइंड कितना डाउन है, क्योंकि और बहुत अमीर है वो, हैं। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये फ्री होने चाहिए। इसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जनसंख्या, जनसंख्या के सामने कितना भी विकास हो सब सब छोटा पड़ जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे मेरे दो बच्चे हैं। हाँ, दो बच्चे हैं मेरे। हाँ बस। हाँ, और क्या मुद्दे हैं आपके पास, किसके आधार पर वोट डालेंगे? मैं ये मेरे से क्यों पूछते हो? नहीं, विकास पे वोट देंगे। हाँ हाँ, व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं हम, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जब हम 2016 में, मैं आपको मैं बताता हूँ, एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई थी मैम, वो 36,000 आई थी। और आज की डेट में देखिए एसएससी सीजीएल की कितनी वैकेंसीज आ रही है मैम, गवर्नमेंट जॉब की कितनी वैकेंसीज आ रही है मैम। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है मैम, लास्ट वैकेंसी एमपीएसआई की 2016 में आई थी। और मैम अब क्या चल रहा है मैम, 2024 अब मैम देखे कि कब से नहीं वैकेंसी आई है मैम। हाँ। 8 साल से मैम वहाँ पर मामा थे मैम। बताइए मैम क्यों वैकेंसी नहीं आई मैम, यूपीएसआई की वैकेंसीज नहीं आई है मैम, उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई मैम, बताइए क्यों नहीं वैकेंसीज आ रही है? किस आधार पे वोट डालेंगे आपके और किसकी सरकार चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैम बदलाव होए, चाहे किसी भी सरकार आए, क्योंकि बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि बदलाव ही और परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर हम परिवर्तन और बदलाव नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी का एक तरीके से कत्ल हो रहा है, डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है मैम। बदलाव होना बहुत जरूरी है मैम। जी मैम, मतलब जो बीजेपी सरकार है गलत चीज़ें अपनी तरफ खींच रही है। यस मैम, यस मैम, क्योंकि मैम जो बीजेपी की है मैम, एरिस्टोटल ने एक बार बोला था, जब हम किसी भी चीज़ को, एरिस्टोटल ने बोला, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है मैम, जैसे कि हम डेमोक्रेसी मैम, उन्होंने हर चीज़ को जब अपनी ओर सारी चीज़ कर ली। मीडिया की एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश का है वो हर साल, देखो हमको सरकार क्या कर रही है, हर साल चेंज कर दीजिए, अब पिछले साल कुछ और सिलेबस था फिर चेंज कर दिया, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको पता है 2014 के बाद ओवरऑल इंडिया में कितने एम्स और आईआईटी बने हैं? ये तो मेरे को नहीं पता, इतना मैं झूठ नहीं बोलूं। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि एजुकेशन, एक मिनट एक मिनट, फिर आप कैसे, मैंने सिर्फ आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है? मैं बात तो सुनो, आप मतलब आप घुमा रहे हो, आपके बड़े हो आप मेरे से, मैं समझ सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन सिस्टम पे आपने बात करी है, उसी की बात कर, मैं उसी पे बात, मैं भी उसी पे आंसर दे रहा हूं आपका। इसमें मुद्दा ये है कि मेरा, कि जो हर साल जो सब्जेक्ट चेंज करते हैं, चलिए हर साल सब्जेक्ट चेंज करते हैं, उससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। हर साल आपको ये पता है कि सिलेबस की वजह से, कठिन पढ़ाई की वजह से कितने स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड करते हैं, इस बारे में आपको पता है?
बिल्कुल तो सरकार ने ये स्टूडेंट्स के हित में किया है या फिर उनके अगेंस्ट जाके नहीं किया है, बट देखा जाए कहीं तक गलत भी है। किसान भी तो सुसाइड कर रहे हैं, उनको भी तो अपना मतलब हक मिलना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, पहले इनकी बात करते हैं, आपके पास आऊंगी। आपको ये पता है कि सिलेबस चेंज करा है, कुछ करा है, सोचा कितने स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, हर साल की बात करी जाए ओवरऑल बहुत से लोग मतलब सुसाइड करते ही हैं ओवरऑल देखा जाए तो। बट इसमें ये मेरा कि अपना ठीक है बस, थैंक यू मैम। जैसा आपने बोला ये सही है, मतलब जो काम सही है मैम, एजुकेशन सिस्टम जरूर चेंज होना चाहिए था, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है अंग्रेजों के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था वही पॉलिसीज आज तक चलती हुई आ रही है, और ये एक अच्छा मतलब जो अच्छा है मैम उसे हम बुरा नहीं कह सकते। बट ठीक है, जैसा आपने बोला स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मतलब एक तरीके से उनकी सरकार ने जो प्रयत्न कराया है वो अच्छा किया है। देखिए लोकसभा चुनावों की हुंकार जो है वो जनता लगातार भरती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में मौजूद थे, जहां पर अक्सर लोग यहां पे इसी अंदाज में देखे जाते हैं कि हुक्के पे बातचीत चल रही है। आज हम लोग भी इन्हीं के टाइम पर यहां पर पहुंच गए इन्हीं से बातचीत करने कि आखिर आम चुनावों को लेकर मौसम क्या है, इनका मूड क्या है, अब की बार किसकी सरकार ये चाहती है, आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। क्या सोचते हैं आप सरकार के बारे में कि अब की बार किसकी सरकार आए, क्या बीजेपी अब की बार 400 पार कर पाएगी या फिर अब की बार कोई नया चेहरा आने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, नोएडा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।